अब हम आगे बढ़ें और ये जानने कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का इतिहास, वो घटनाक्रम, कदम दर कदम कैसे लीग ऑफ नेशंस की समाप्ति के साथ या समाप्ति के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास, स्थापना का इतिहास, उसमें जाने से पहले एक बिंदु बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO जो उसका मूल नाम था, उससे अब संघ शब्द को हटा दिया गया है या अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन शब्द को हटा दिया गया है। अब वह उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस। तो इस बात ये हटाने का कार्य भी संयुक्त राष्ट्र संघ तत्कालीन उसकी महासभा के द्वारा हुआ है और बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में संघ शब्द को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना हम समझ लें कि वर्तमान में इसका नाम संयुक्त राष्ट्र है। 1919 या हम कहें तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945, तो 1914 से 1945 ये 30 वर्ष के काल में दुनिया को दो विश्व युद्ध झेलने पड़े। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 19 और दूसरा विश्व युद्ध 39 से 45, यानी तीन चार दशक में ही दो विश्व युद्ध, और दूसरा विश्व युद्ध पहले से और भयावह। तो पूरी शंका थी, संभावना थी कि आने वाली स्थितियों में, आने वाले दिनों में, आने वाले दशकों में यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो भयावहता तो बढ़ेगी ही, शायद इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाए। युद्ध का अभी 20 साल में 30 साल में दो युद्ध हो गए विश्व युद्ध, ऐसा ना हो कि आने वाले 2-3 वर्षों में ही हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़े हों, और इसकी पूरी संभावना भी थी। संभावना इसलिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित राष्ट्र सतत रूप से ये कोशिश करेंगे, प्रयासरत रहेंगे, मौका देखेंगे जब वे अपनी हार का बदला ले सकें, और उन राष्ट्रों में, पराजित राष्ट्रों में मुख्य रूप से जापान, जर्मनी और इटली थे। और जर्मनी का तो इतिहास ही सतत रूप से, जब से उसका निर्माण हुआ, जब से जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में आया, अपनी स्थापना के बाद से ही वह लगातार इस बदले की भावना में रहा है कि हर बार पराजय का बदला लेना चाहता। तो ऐसी पूरी संभावना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध की पराजय का भी वो बदला लेगा, और इसलिए ऐसी स्थितियों का निर्माण करना जरूरी था जो तीसरे विश्व युद्ध को जन्म न दे। ये 1919 के युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का मैंने जिक्र किया और आपको बताया ये कई कारणों से असफल रहा। तो 1945 में लीग ऑफ नेशंस की असफलताओं के मद्देनजर रखते हुए विश्व नेताओं के बीच में, गैर सरकारी संगठनों के बीच में, प्रसिद्ध विचारकों के बीच में एक तरीके से संवाद शुरू हो गया कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि विश्व शांति को दोबारा खतरा पैदा ना हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण को लेकर वार्ताएं चली,
वार्ताओं का दौर चला। और ये दौर याद रखिए, जब विश्व युद्ध चल रहा था उसी दौरान प्रारंभ हो चुका था। यानी एक ओर जहां विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरी ओर वहीं विश्व के प्रबुद्ध नागरिक, विचारक, गैर सरकारी संस्थाएं और कुछ देशों की सरकारें भी इस दिशा में सोचने लगी थी कि किस तरीके से लीग ऑफ नेशंस की असफलता को सफलता में बदला जाए और उस दिशा में कैसे नए तरीके से कार्य किया जाए। मैंने गैर सरकारी संगठन का जिक्र किया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि प्रारंभिक दौर में गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों की बहुत अहम भूमिका रही, और इसका कारण ये था कि ये लोग सतत प्रयास करते थे कि किसी एक देश का या किसी एक गुट का इसकी स्थापना में प्रभुत्व वर्चस्व न रहे। प्रारंभ में ये कार्य जब इन लोगों ने शुरू किया तो बाद में मित्र राष्ट्र जो थे, ये कार्य मित्र राष्ट्रों ने ले लिया और धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ने वाले ये देश अब इस दिशा में एकजुट होने लगे, आगे बढ़ने लगे, और मित्र राष्ट्र सतत रूप से फिर ये प्रयास करते रहे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच की स्थापना सुनिश्चित हो। इसके निर्माण के लिए कई दौर चले, कई आयोग बने, समितियां बनी, सम्मेलन हुए, घोषणाएं हुई, और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों और जो विधि मर्मज्ञ, विधि वेत्ता लोग जो थे, कानून से जिनका वाकिया था, इनका सक्रिय सहयोग लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की मदद से ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि किसी एक का इसमें दबदबा ना हो। 1919 में जो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी उसको लेकर बारंबार ये कहा जाता था कि इसकी स्थापना का पूरा श्रेय वुड्रो विल्सन, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को जाता है। जहां विचार अच्छा था वहां पर एक और विचार तो बहुत अच्छा था लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का, लेकिन जब एक व्यक्ति को श्रेय जा रहा था तो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को ये बात गले नहीं लगती थी, उनको ये बात नागवार गुजरती थी। उनको लगता था कि शायद लीग ऑफ नेशंस जो है वो मात्र एक अमेरिकी दबदबे वाली संस्था बन के रह जाएगी, जिसका वे लोग हिस्सा नहीं होना चाहते थे। तो ऐसी अनुभूति की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा एक कॉन्शियस प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में किया गया। एक सतत प्रयास, एक कॉन्शियस प्रयास किया गया कि अमेरिका या किसी एक देश का या किसी एक व्यक्ति का प्रभुत्व इसकी स्थापना में न दिखाई दे। और इसलिए 1939 से 1945 तक बहुत सारी गैर संस्कारी संस्थाएं, आयोग, समिति, सम्मेलन, इनका आयोजन हुआ। इनमें मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारूप का मसौदा तैयार किया। संयुक्त राष्ट्र संघ कैसा होगा, उसका मसौदा कैसा होगा, किस तरीके से वो बनेगा, इसकी उन्होंने भूमिका तैयार की। अब हम आते हैं अगले बिंदु पर कि एक तरीके से हम उसके इतिहास पर नजर डालें कि कौन कौन से संगठन किस किस के बाद आए, किन किन संगठनों ने इसमें काम किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के क्रम में सर्वप्रथम जो आधिकारिक गतिविधि हुई वह थी सेंट जेम्स की घोषणा, 12 जून 1941। देखिए, विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, विश्व युद्ध के 2 वर्ष हो चुके थे और विश्व युद्ध अपने चरम पर था, और बल्कि प्रारंभ में तो स्थितियां ऐसी थी कि मित्र राष्ट्र ये
समझ नहीं पा रहे थे कि वे लोग विजय की ओर अग्रसर हैं या पराजित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में 12 जून 1941 को ब्रिटेन के सेंट जेम्स महल में एक घोषणा पत्र पर 9 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया, और ये तारीख 12 जून 1941 की है। इस पर हस्ताक्षर होने से पूर्व आप सोच सकते हैं कि कितने महीनों तक इस घोषणा पत्र के कंटेंट को लेकर विवाद हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, संवाद हुआ होगा। और ये जो घोषणा पत्र है, सेंट जेम्स महल की घोषणा, इसमें शांति स्थापना की इच्छा व्यक्त की गई थी, ये इसका उद्देश्य था। उसके बाद दूसरी घटना इस घटनाक्रम में आती है, अटलांटिक चार्टर, 14 अगस्त 1941, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। अटलांटिक चार्टर, 14 अगस्त, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, 6 वर्ष बाद। उसके भारत स्वतंत्र होने के ठीक 6 वर्ष पूर्व अटलांटिक चार्टर बना। विश्व जनमत को आकर्षित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, विंस्टन चर्चिल, बहुत प्रसिद्ध प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ये एक घोषणा पत्र प्रकाशित करते हैं, और इस घोषणा पत्र को कहा जाता है अटलांटिक चार्टर। ये घोषणा पत्र यूएनओ के संबंधित घोषणा पत्र था, और जो दो नाम इसमें सामने आते हैं वो हैं विंस्टन चर्चिल और रूजवेल्ट, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। घटनाक्रम में तीसरी घटना, वाशिंगटन सम्मेलन, ये वाशिंगटन में जनवरी 1942 में सम्मेलन होता है, 26 देश इसमें भाग लेते हैं, और ये 26 देश अटलांटिक चार्टर के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। इन 26 देशों की स्वीकृति ली जाती है अटलांटिक चार्टर के घोषणा पत्र को स्वीकार करने में। यहाँ पर सबसे पहले वाशिंगटन सम्मेलन में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ था। आपको ये सवाल बार बार पूछा जा सकता है, ये संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, कब हुआ? तो उत्तर होगा वाशिंगटन, 1942, जनवरी 1942, जहाँ पर अटलांटिक चार्टर पर 26 देशों, अटलांटिक चार्टर के मसौदे को, उस पर दिए गए सिद्धांतों को 26 अन्य देशों ने स्वीकार किया। अगली पायदान, और वो है मॉस्को की घोषणा, अक्टूबर नवंबर 1943, जब ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका के विदेश मंत्री, और उसके बाद चीन के सोवियत संघ में स्थित राजदूत, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना पर जोर देते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, रूस और इस बार चीन भी शामिल है, लेकिन चीन के सोवियत संघ में स्थित राजदूत, याद रखेंगे मॉस्को की घोषणा में विदेश मंत्री शामिल हुए थे इन देशों के, और चीन के राजदूत जो सोवियत संघ में पदस्थ थे, ये क्या करते हैं? ये शांति एवं सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पर जोर देते हैं। अगला कदम, सेंट जेम्स घोषणा, अटलांटिक चार्टर, वाशिंगटन सम्मेलन और मॉस्को की घोषणा के बाद तेहरान सम्मेलन। तेहरान सम्मेलन बहुत प्रसिद्ध है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये तेहरान सम्मेलन की है, जिसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, सोवियत संघ के मुखिया जोसेफ स्टालिन और अमेरिका के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रूजवेल्ट
शांति संघ की स्थापना के लिए घोषणा पत्र जारी करते हैं, यानी एक फॉर्मल तरीके से इसकी स्थापना की घोषणा करते हैं। किसकी? संयुक्त राष्ट्र के स्थापना की घोषणा। शुरू के जो कदम हैं वो उसकी भूमिका है, बैकग्राउंड है, वो जमीन तैयार करते हैं, शुरू की जो घटनाएं हैं। और जब जमीन तैयार हो गई तो अंततः तेहरान में इन तीन देशों के मुखिया एक साथ घोषणा करते हैं इस संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा, शांति संघ की स्थापना के लिए घोषणा पत्र जारी। तेहरान सम्मेलन के बाद अगला बिंदु आता है याल्टा सम्मेलन, याल्टा कॉन्फ्रेंस। याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है 11 फरवरी 1945। इसमें रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, ये लोग संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लेते हैं। देखिए, ये द्वितीय विश्व युद्ध का काल है और द्वितीय विश्व युद्ध के इस काल के दौरान एक ओर जहां ये तीनों नेता पूरी तरह से विश्व युद्ध में फंसे हुए थे, दूसरी ओर शांति के लिए भी ये लोग सतत प्रयासरत थे, क्योंकि उनको मालूम था, उनको ये अनुभूति थी कि ऐसा यदि नहीं होगा, ऐसा यदि नहीं करेंगे, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय माहौल मंच तैयार नहीं करेंगे तो अगले विश्व युद्ध की तैयारी, अगले विश्व युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो अगले विश्व युद्ध की संभावनाओं को रोकने के लिए देखिए 1941 से घटनाक्रम का जो हम बात कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। 1945 याल्टा कॉन्फ्रेंस 11 फरवरी जिसमें सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान, सम्मेलन आयोजित करने के फैसला, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को यूएसए का एक शहर है, प्रसिद्ध शहर। यहाँ पर अप्रैल मई 1945 विश्व युद्ध कब समाप्त होता है? अगस्त 1945 में, यानी विश्व युद्ध की समाप्ति से पूर्व ही सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का आयोजन हो जाता है, क्योंकि तब तक स्पष्ट होने लगा था कि इटली, जर्मनी और जापान की फौज जो है वो पराजित हो रही है और इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ, इनकी जो फौज है वो विजयी हो रही है, फ्रांस, इनकी फौज विजयी हो रही है द्वितीय विश्व युद्ध में। इस बैकग्राउंड में सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य से ये सम्मेलन हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य। और इसमें कितने देश भाग लेते हैं? 50 देश भाग लेते हैं। और इसके बैकग्राउंड में दो माह बाद इसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। और भारत के लिए अहम ये है कि भारत यद्यपि स्वतंत्र नहीं हुआ था, भारत अभी भी अंग्रेजी शासन का उपनिवेश था, अंग्रेजी साम्राज्य का उपनिवेश था, पर उसने अपना प्रतिनिधि भेजा और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संस्थापक 50 देशों में भारत भी एक माना गया। भारत के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, संस्थापक सदस्यों के हस्ताक्षरों में भारत की ओर से भी हस्ताक्षर किए गए इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के घोषणा पत्र में। उसके बाद अंतिम जो बिंदु है जो आपको इसके संक्षिप्त इतिहास, ऐतिहासिक घटनाक्रम को बताती है वो है 24 अक्टूबर 1945। तारीख देखेंगे 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और 30 अक्टूबर को भारत इसमें फॉर्मली शामिल हो जाता है। एक भारत एक राष्ट्र के रूप में इसका सदस्य बनता है। ये इस बात को भी इशारा करता है कि 1945 आते आते ये स्पष्ट हो चुका था कि भारत स्वतंत्र होने जा रहा है, तभी तो भारत एक
अलग राष्ट्र के रूप में अपना प्रतिनिधि भेजता है सैन फ्रांसिस्को में, उसके बाद उसके हस्ताक्षर होते हैं और उसके बाद वो 30 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भी पा लेता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के फाउंडर सदस्यों में गिना जाता है, संस्थापक सदस्यों में गिना जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा 1941 से लेकर 1945 तक के घटनाक्रम 8 बिंदु हैं, और मूल रूप से आप पाएंगे कि इसमें स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट, इन लोगों की बड़ी अहम भूमिका रही। लेकिन इन लोगों के फोर फ्रंट पर सामने आने से पूर्व काफ़ी कुछ जमीनी काम गैर सरकारी संगठनों ने, नागरिकों ने, विचारकों ने, बुद्धिजीवियों ने किया था, जिसका फायदा इन तीन नेताओं को इस रूप में मिला कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना उस हद तक थोड़ी उनके लिए सरल हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे जो कारण थे उसके बीज द्वितीय विश्व में निहित थे। दूसरे शब्दों में यदि इसको कहा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध का एक परिणाम था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। दूसरा, पहला कारण तो द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा कारण द्वितीय विश्व युद्ध की विध्वंसता जिसमें करोड़ों लोगों की जान गई, अपार धन संपदा हथियारों पे खर्च किया गया, शक्ति धन सब कुछ युद्ध पर ही लगा दिया गया, चाहे वो वैज्ञानिक प्रगति हो चाहे किसी अन्य तरीके की प्रगति हो, वो सारी प्रगति की दिशा युद्ध की ओर थी। जितने भी एडवांसमेंट हो रहे थे, जितनी भी तकनीकी प्रगति हो रही थी, वो सब युद्ध को लेकर, युद्ध से संबंधित हथियारों को लेकर थी। मानव विकास का मुद्दा बहुत पीछे हो चला था, तो इसलिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में ये कारण उस समय की तत्कालीन युद्ध की विध्वंसता को माना जा सकता। तीसरा कारण तो बताया गया है, नाभिकीय युद्ध का भय, क्योंकि अब कई देशों के पास परमाणु हथियार आ चुके थे। नागासाकी, हिरोशिमा पे गिराए गए बमों की भयावहता जग जाहिर हो चुकी थी, और अब उससे ज़्यादा प्रभावशाली बम आ गए थे। तो दुनिया ने महसूस किया कि यदि भविष्य में मानवता की रक्षा करनी है तो नाभिकीय युद्धों को रोकना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कारणों का जिक्र करते हुए एक बहुत अहम बिंदु जो आपको मालूम होना चाहिए वो है राष्ट्र संघ की असफलता, लीग ऑफ नेशंस की असफलता, फेल्योर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। इसने भी संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की संस्था को जन्म देने में बहुत अहम भूमिका निभाई। कैसे? कि जो राष्ट्र संघ के अंदर जो कमजोरियां थी, अंतर्निहित कमजोरियां, उसके संवैधानिक ढांचे में जो कमजोरियां थीं, जिसने द्वितीय विशुद्ध जो द्वितीय विशुद्ध को रोकने में असफल हो गया, इसलिए ज़रूरत महसूस की गई कि भाई लीग ऑफ नेशंस को अब भूल जाएं और उसके बदले एक नई संस्था बनाएं जिसमें ये खामियां जो राष्ट्र संघ में देखी गई हैं वो हटा दी जाए, पुरानी गलतियों को सुधारा जाए। पुरानी गलतियों से तात्पर्य लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्र संघ में जो ऐसी बातें थी जिसके कारण हम विश्व युद्ध नहीं रोक पाए, उनको हटाते हुए हम एक ऐसी संस्था का निर्माण करें जो भविष्य में युद्धों को रोकने में सुनिश्चित करे, इस बात को सुनिश्चित करे कि भविष्य में युद्ध ना हो। तो नाभिकीय युद्ध का भय, राष्ट्र संघ की असफलता, और उसके बाद सामाजिक आर्थिक विकास की ज़रूरत। द्वितीय विश्व युद्ध ने
जो विकसित देश थे उनको भी हिला के रख दिया था, और जो औद्योगिक देश थे, औद्योगिकृत देश थे, उनको भी हिला के रख दिया था, और इतना उनको झकझोर दिया था कि इन देशों के अंतर्गत जो उपनिवेश थे, जिसमें भारत भी शामिल था, अब इन उपनिवेशों की स्वतंत्रता की बात होने लगी थी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि उपनिवेश में जिन देशों का कब्जा था, ऐसे देश जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे, वे स्वयं अब इतना नुकसान झेल चुके थे द्वितीय विश्व युद्ध में, स्वयं इतने विध्वंस से इतना ज़्यादा गुजर चुके थे कि अब वे इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे कि वे उपनिवेशों पर अपना नियंत्रण बना रखें। और दूसरी ओर उपनिवेशों का जो शोषण हो रहा था वो भी दिनों दिन बढ़ते जा रहा था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे उपनिवेशों के शोषण को रोकना भी एक उद्देश्य था, भी एक कारण था। क्योंकि यद्यपि अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, ये स्वयं साम्राज्यवादी देश थे, ये स्वयं उपनिवेशों पर कब्जा किए हुए थे, लेकिन अब इनकी सोच बदल चुकी थी। ये अब समझ चुके थे कि उपनिवेशों को स्वतंत्र करना बेहतर होगा, उनकी स्वतंत्रता में हमारी भलाई निहित है, ऐसा उनका विश्वास हो चला था। तो इसलिए उपनिवेशों के लोगों के सामाजिक हित, आर्थिक विकास और अन्य तरह के विकास के लिए जरूरी था कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बने, और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने में, उस मंच को तैयार करने में रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन, इन लोगों की भूमिका बहुत अहम रही। द्वितीय विश्वयुद्ध ने संयुक्त राष्ट्र संघ को जन्म दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध के गर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। अर्थात द्वितीय विश्वयुद्ध की भयावहता ने विवश किया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए, और इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सामूहिक सुरक्षा के जरिए ही अब विश्व शांति बनाई रखी जा सकती है, ऐसा विश्वास पूरे सभी देश में, सभी नेताओं में घर कर गया था। सामूहिक सुरक्षा की भावना, सामूहिक सुरक्षा की आवश्यकता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो कुछ बिंदु हैं, द्वितीय विश्वयुद्ध, दूसरा द्वितीय विश्वयुद्ध की विध्वंसता, तीसरा नाभिकीय युद्ध का भय, राष्ट्र संघ की असफलता, सामाजिक और आर्थिक विकास का उद्देश्य, और सामूहिक सुरक्षा की ज़रूरत, सामूहिक सुरक्षा की भावना, इसने संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की संस्था को जन्म दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की पृष्ठभूमि की जब मैंने बात की तो मैंने विभिन्न घटनाक्रम आपको बताए, जो 8 घटनाक्रम हैं। इन घटनाक्रमों में कुछ 3-4 बिंदु और हैं जिसे भी बताना अब यहाँ हम उचित समझते हैं, और वो है कि 1939 में जेम्स वॉटवेल की अध्यक्षता में एक कमीशन की स्थापना हुई। यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना की पृष्ठभूमि की बात करें तो पूर्व में बताए गए 8 घटनाक्रमों में आपको ये घटनाक्रम भी जोड़ना होगा, जिसकी शुरुआत 1939 से हो जाती है। नवंबर 1939, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है सितंबर 1939 में, और विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ नहीं और विश्व शांति की बात शुरू हो जाती है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि शांति कितनी महत्वपूर्ण थी, बात हो गई थी युद्ध काल में ही, कि एक कमीशन की स्थापना होती है नवंबर में, और उनका, जिस कमीशन की अध्यक्षता करते हैं मिस्टर जेम्स वॉटवेल,
और वो कमीशन का जो कार्य क्षेत्र था उसका जो शीर्षक था वो था कमीशन टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस, कमीशन टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस। इस कमीशन ने 1944 में 5 साल के गहन अध्ययन के बाद अपना रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन दिया और यही कमीशन पहली संस्था थी जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की दिशा में पहला ठोस कदम उठाया। पहला ठोस कदम 1939 में इस कमीशन के द्वारा। उसके बाद तो फिर अमेरिका ने 1942 में विश्वविद्यालय समिति का भी गठन किया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों के द्वारा भी एक समिति के रूप में डिस्कशन हुआ, जिसकी स्थापना 1944 में की गई न्यायमूर्ति मैनली जो हटसन के द्वारा। तो इस प्रकार विभिन्न तरीके की समितियों का एक तरीके से निर्माण हुआ, उनके बीच में अध्ययन डिस्कशन हुआ, गहन अध्ययन भी हुआ और इन सब के निचोड़ से एक संविधान के का प्रारूप तैयार हुआ। यहाँ पे गैर कानूनी संगठन की महत्ता को मैं फिर दोहराना चाहूँगा, गैर शासकीय संस्थाओं की महत्ता को, गैर कानूनी नहीं, गैर शासकीय संस्थाओं, उनमें अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अमेरिकी लेबर ऑर्गेनाइजेशन, द फेडरल काउंसिल ऑफ चर्चेज ऑफ क्राइस्ट जो एक तरीके से धार्मिक संस्था थी, इन लोगों ने भी गैर राजनीतिक, गैर सरकारी रहते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान दिया। डंबार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस का एक जिक्र यूएनओ की स्थापना के दौरान आता है। ये डंबार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस 21 दिसंबर से 7 अक्टूबर 1944 तक हुई थी, डंबार्टन ओक स्थान पर, यानी याल्टा कॉन्फ्रेंस के पहले। तो इस डंबार्टन ओक कॉन्फ्रेंस में भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संबंधी, और ये एक आगे की दिशा में बढ़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पायदान था, डंबार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस।